दोस्तों, हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है। दरअसल वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय वास्तुकला और डिजाइन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रहने और काम करने की जगहों के भीतर ऊर्जा प्रवाह को सामंजस्य और संतुलित करना है। घर में वास्तु का प्रयोग करने से परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। वहीं घर में अगर वास्तु दोष होता है तो रहने वाले सदस्यों के जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है और भी कई तरह की समस्याएं बनी रहती है। घर में मौजूद चीजें सही दिशा में ना होने की वजह से वास्तु दोष निर्मित होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं। वास्तु दोष के संकेत। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में बार बार लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो या ना चाहने पर भी बेवजह के खर्चे अचानक सामने आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर में वास्तु दोष है। वहीं अगर घर में कोई ना कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है और इलाज के बाद भी बीमारी सही नहीं हो रही है, तो यह लक्षण वास्तु दोष के है। वास्तु दोष होने पर होती है यह घटनाएं। जिस घर में वास्तु दोष होता है उस घर में लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। घर के सदस्यों में आपसी प्रेम खत्म हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद बना रहता है, तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। घर के सदस्यों की चिंता हमेशा लगे रहना और उसकी वजह से नींद ना आना वास्तु दोष की तरफ इशारा करता है। वास्तु दोष होने पर आते हैं ऐसे विचार। जिस घर में वास्तु दोष होता है उस घर के सदस्य सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। घर के सदस्य हर समय सुस्ती महसूस करते हैं या दिन भर में फोन या टीवी में लगे रहते हैं। वहीं दिमाग में बार बार नकारात्मक विचार आना या जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं, तो घर का वास्तु सही नहीं है। घर का मेन गेट की तरफ ध्यान दें। कई बार घर का मेन गेट सही दिशा में ना होने की वजह से घर का वास्तु खराब हो जाता है और रहने वाले सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब किसी व्यक्ति की ग्रहों की दशा खराब हो जाती है तब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष दूर करने के उपाय। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरितमानस का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहे। वहीं घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्माण हो रहा है तो पहले एक कपूर की टिकिया रख दें। जब वह टिकिया गलकर खत्म हो जाए तो दूसरी टिकिया रख दें। इस तरह कपूर की टिकिया को बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष नहीं होगा। इस तरह वास्तु दोष को करें सही। दोस्तों, घर के मेन गेट पर हर रोज हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। परिवार में लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा रहता है तो पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक डाल दे और फिर पोछा दे। वहीं किचन के अग्निकोल में लाल बल्ब लगाकर रखें। ऐसा करने से दोष दूर होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथियों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली ही तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।